ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये बताओ, अब तो स्पीड भी आने लगी, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। इनइक्वालिटी में भी यस और नो? मतलब पहले से बहुत बेटर, मतलब लाख गुना बेटर आने लगी होगी स्पीड इनइक्वालिटी में, अगर आप 2 दिन आए हैं तो। चलिए, YouTube पे भी आ रहे हो ना रात को 8 बजे? इनइक्वालिटी में बढ़िया हो रहा है हिसाब किताब? ठीक है, मैक्सिमम तो आ रहे हैं, जो एक दो नहीं आ रहे वो रिकॉर्डेड देख लिया करो, पर देख जरूर लिया करो। चल मैं स्टार्ट करता हूं। बस एक रियलिटी बताता हूं, मैं स्पेशली अपनी क्लास में, चाहे प्लस पर हूं चाहे YouTube पे हूं चाहे स्पेशल पर हूं, मैं भेदभाव नहीं करता हूं। यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और वहां YouTube पर प्रैक्टिस। तो जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आपने प्लस खरीद लिया तो अब आप निश्चिंत है, अब ना आए, मुझसे नहीं हो पाता है। क्योंकि सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप दोनों जगह का कोऑर्डिनेशन बना के आगे बढ़ोगे, ठीक है? मैंने पहले भी गाइड किया था, फिर से गाइड कर रहा हूं कि जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये है, क्योंकि ये आपको रियल रियल टाइम में आपकी वर्थ दिखाता है कि हाँ आपने सीखा था। क्या तुम टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो? भाई ये भी तो है, क्योंकि पेपर तो 20 मिनट का ही है, पेपर तो 20 मिनट का ही है। आपको आता है डजंट मैटर, क्या आपको टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना आता है ये मैटर करेगा। से आपको आता है ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना आता है ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सैटरडे को मैं लेता हूं टेस्ट। टेस्ट का टाइम बता दूं, आपका तो मैक्सिमम इनइक्वालिटी खत्म ही हो जाएगा आज। तो कल सैटरडे है, जी लो अपनी जिंदगी। सैटरडे को टेस्ट होगा, सबसे पहले इनइक्वालिटी का ही टेस्ट होगा, ठीक है? 4:30 बजे, ठीक है? सैटरडे को इनइक्वालिटी का टेस्ट 4:30 बजे, ठीक है भैया? टाइम से पहुंच जाना इस स्पेशल क्लास पे, ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। आज क्या क्या सीखने वाले हैं उस पर एक बार फोकस करते हैं। डेस्कटॉप इनइक्वालिटी, ये तो पहले, ये तो कंबाइंड वाली आ गई, रुक जाओ, सॉरी गलती से गलत वाली लग गई वीडियो। गलत पीडीएफ लग गई। देखो, काफी जगह आपको सुनने में मिलेगा, आज हम 3 चीज सीखने के सीखेंगे। रिवर्स इनइक्वालिटी, फिलर इनइक्वालिटी, फिल इन द ब्लैंक्स वाली, नॉट इक्वल केस, ये 3 और सीख लेंगे आज। फिर बचेगा एक बस कोडेड इनइक्वालिटी, इसको हम पढ़ते हैं मेंस में, ठीक है? सही। तो
तो ये रिवर्स इनइक्वालिटी, फुलर इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल केस, ये तीन हम पढ़ने वाले हैं। पहले पर हम चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। आपको कॉन्क्लूजन ऊपर कर दिए, कह रहा है इसको भी ट्रू करो और इसको भी ट्रू करो, बताओ कौन से ऑप्शन में ये दोनों बातें ट्रू आ रही है। क्या पहले में आ रही है, क्या दूसरे में आ रही है, क्या तीसरे में, क्या चौथे में, क्या पांचवे में, बताइए कौन से वाले में ये ऊपर वाली दोनों बातें सही आ रही हैं, बताइए। के ग्रेटर एन, जे ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू, दोनों बातें ट्रू आनी चाहिए, एक नहीं दोनों। 11% का तो पहले में ही आ रहा है, भगवान का करिश्मा है इनके पास। 8% का दूसरे में, 70% का तीसरे में, 5% का चौथे में। चले भाई साहब ये वाली बात को ट्रू कर रहे हैं, के और एन, के तो छोटा है, तुम्हें बड़ा कहां दिख गया, पहले में ही बंडा पड़वा लिया, सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद। दादाजी का फेस के की तरफ, दादाजी का फेस के की तरफ, क्या के की तरफ आ रहा है, के ग्रेटर एन, बहुत बढ़िया, ये तो सबसे टैलेंटेड निकले। क्या दादाजी का फेस के की तरफ है, हाँ ये सही है। अब इसको भी देखो, जे ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू, हाँ ये सही है। जे और क्यू में मम्मी पापा, मम्मी पापा का फेस जे की तरफ, के और एन में दादाजी, दादाजी का फेस के की तरफ। यहां चेक कर लो, दादाजी का फेस के की तरफ नजर आ रहा है, यहां के और एन तो ठीक है लेकिन जे और क्यू बराबर ही है, जे और क्यू में मम्मी पापा नहीं है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार और देख लेते हैं, कह रहे के और एन में दादाजी का फेस के की तरफ, के और एन में दादाजी का फेस के की तरफ नहीं है, दादाजी का फेस के की तरफ नहीं है, दादाजी का फेस के की तरफ है, दादाजी का फेस के की तरफ नहीं है, या मम्मी पापा जे और क्यू के बीच में नहीं है। केवल इतना ही चेक करना, ज्यादा हाथी घोड़े लगाने भी नहीं है, ठीक है। तो जे बड़ा बराबर क्यू, हाँ जे और क्यू में मम्मी पापा आ रहे हैं जे की तरफ, हो जाएगा भाई। देखो गलत तो हर कोई करने वाले हैं ही, गलत करने वाले भी बहुत सारे बैठे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी बार सही से कर लेना, आपने जो भगवान ने बुद्धि दी है उसका सदुपयोग कर लो, दोनों को ट्रू करना है। करिए, मैं एक सेकंड में आ देखूं क्या हुआ। बताइए आपकी बार, कोशिश करना सही है मैक्सिमम। चलो 93% है, देखिए 91, टी बड़ा हो सकता है भाई से, हाँ हो गया, बी बड़ा हो सकता है सी से, तो खुद देखो यार, बी बड़ा नहीं, बी तो छोटा है, दादाजी का फेस बी की तरफ होना चाहिए, दादाजी का फेस सी की तरफ है, तो ये बी छोटा है सी के चक्कर में गलत हो गया। टी बड़ा है वाई से, हाँ, बी बड़ा है सी से, हाँ ये राइट हो गया। ये क्यों गलत, क्योंकि यहाँ वाई और टी बराबर है, लिख देता हूं भैया, वाई बराबर टी है इसलिए गलत, यहां वाई बड़ा है टी से जबकि टी बड़ा वाई से होना चाहिए था,
इसलिए गलत। यहां वाई बड़ा बराबर है टी से, इसलिए गलत। ठीक है भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इजी पड़ेगा, टफ तो नहीं पड़ रहा है, तो और इजी पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो इसमें तो बना के दे दिया, सही वाला ढूंढ लो, इसमें तो बना के दे दिया कि ढूंढ लो भाई और आसानी से। ठीक है भाई, हाँ मुझे तो ब्लॉक किया यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक वाला गाना बजाने बोला था। अब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो यहां भी कर दूंगा। ठीक है, जो ही यूट्यूब चैनल का नाम है बैंकर्स वे, बैंकर्स वे। चलो नेक्स्ट चले। अगर स्टेटमेंट में ग्रेटर इक्वल सेटिस्फाइड हुआ तो कॉन्क्लूजन में ग्रेटर सही होगा, जो तुम्हारा मन करे वो ही सही होगा। खुद ही बता रही हो और खुद ही पूछ रही हो। अगर स्टेटमेंट में ऐसा है तो ये क्यों सही होगा, आप ही बताओ क्यों सही होगा। जब यही है तो यही होगा, ये क्यों होगा। खुद ही कह रही हो स्टेटमेंट में ऐसा है तो कॉन्क्लूजन ऐसा होगा, क्यों होगा। खुद ही तो आपने कहा स्टेटमेंट में अगर ऐसा है तो कॉन्क्लूजन भी तो ऐसा ही होगा। अगर पहले दिन की क्लास आप ढंग से पढ़ लेती तो पता चल जाता कि अगर यही बात को तोड़ के दे देता तो आइदर और होता। इंडिविजुअल देगा तो गलत हो जाएगा, इंडिविजुअल ये देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये तो पहले दिन का कॉन्सेप्ट है दोस्त, ये तो पहले दिन बताया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉलिड क्वेश्चन, जो मतलब ये तो मैक्सिमम बच्चा कर लेगा जिनके कॉन्सेप्ट ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा खुद का टैलेंट भी चाहिए। तैयार हो, कॉन्सेप्ट के साथ खुद का टैलेंट। आ गया वो टैलेंट वाला क्वेश्चन, वो ढूंढना पड़ेगा। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ टैलेंट भी चाहिए। तीस सेकंड का समय है, करिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टैलेंट, तो दोस्तों ये है बात। 21, 17, 19, 12, 31, अब आप देख सकते हो मैंने क्या कहा, इसमें आपका टैलेंट भी पता होना चाहिए। ओ बड़ा है आर से, सॉरी बी से, या फिर ओ छोटा बराबर बी। पहले तो मुझे बताओ एक ही क्वेश्चन में ऐसा कभी हो सकता है, नहीं। कहना क्या चाह रहा है कि ऐसी जगह ढूंढो जहां पर ओ और बी के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही हो, वरना अगर आपने ओ ग्रेटर बी यहां ट्रू किया तो ओ ग्रेटर बी तो यहां भी ट्रू है। अगर आप पहला करेंगे तो दूसरा क्यों नहीं, ओ ग्रेटर इक्वल्स बी यहां पर भी है ये क्यों नहीं, ओ स्मॉलर बी मतलब बी ग्रेटर है यहां पर भी है। आंसर तो सब में ही है बी ग्रेटर हो, केवल यही एक ऐसा है जहां पर सीरीज ब्रेक आ रही है। वो यही तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जहां पर आंसर नहीं आ रहा सीरीज ब्रेक, केवल यही एक ऐसा है। जब आप सोचते हैं आपको आ गया तभी एक बाउंसर।
अगर पहला सही है तो दूसरा भी। आगे बढ़े। फर्स्ट तो ग्रेटर इक्वल है, तुम रहने दो भैया, हमसे ना हो पाएगा तुम्हारे साथ। भाई जो बच्चे तीसरी क्लास में भी फर्स्ट में ग्रेटर इक्वल बता रहे हैं, वो कृपया करके केवल कान खोल के मेरी बातों को ना सुने, आंखों से ढंग से देखे भी। तुम्हें अभी तक यहीं पर ही आ रहा है कसम से, तुम क्या करके मानोगे? एग्जाम निकालने का वाकई में मन है? ये एग्जाम से निकलने का मन है? तुम्हारा 3 दिन बाद भी पहले स्टेटमेंट में वो ग्रेटर इक्वल आ रहा है? ठीक है, फिर से सुनिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि या तो ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा ढूंढ लो। मतलब तीन कॉन्क्लूजन आ रहे हो, तीन कंडीशन आ रही हो। तीन कंडीशन पर आता क्या है? कब आती है तीन कंडीशन? जब सीरीज ब्रेक होती है। क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि ये वाला सही ढूंढोगे ये वाला, तो इसमें एक आंसर है कैंसिल, इसमें एक आंसर है कैंसिल, इसमें एक आंसर है कैंसिल, इसमें एक आंसर है कैंसिल। ये रहा, लो सर ढूंढ के दे दिया। कैसे? और भी सीरीज ब्रेक जो आप मांग रहे थे यहां है, आइदर और का केस। क्लियर है? हाँ सौरभ होगा। ठीक है भाई, आगे चले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ए और सी में सीरीज ब्रेक, तो तीन साइन पर आइदर और आता है कि नहीं आता है? सेम ऐसे ही अगर दो साइन होते तो ना इधर आता। ये तो यार पढ़ लिए तुम लोग, कुछ लोगों के चक्कर में ना क्लास को पीछे आना पड़ता है। दो होते तो ना इधर ना। अभी वो बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए तो क्या ये कितने साइन है? क्या आइदर और लगा दोगे कि सर एक साइन, दो साइन, तीन साइन? क्या आइदर लगाओगे भाई? एक्चुअल में तो दो ही साइन है ना, ग्रेटर और फिर यही वाला ग्रेटर और इक्वल। साइन तो दो ही है। तो इसी बात पर एक बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ ले कि अब क्या लगाओगे? रीजन साइन काउंट होते हैं, ये पहला ग्रेटर, फिर इक्वल, फिर स्मॉलर, फिर इक्वल। इक्वल तो काउंट कर लिया ना, तो साइन तो तीन ही है ना, आइदर और। जिस तरीके से यहां पर ग्रेटर काउंट कर लिया था, ग्रेटर इक्वल दोबारा तो नहीं, केवल इक्वल, यहां केवल दो थे, ठीक उसी तरीके से यहां ग्रेटर इक्वल स्मॉलर तीन है। आया समझ? दिखने में ही तो चार थे, एक्चुअल में तो तीन ही है। दिखने में तो तीन थे, एक्चुअल में तो दो ही थे। क्लियर है? आया समझ? यहां से समझो, और आगे चले। चले नेक्स्ट। उसमें इक्वल है नहीं तो आइदर और कैसे?
उसमें इक्वल है नहीं तो वायद्रोह कैसे? यश श्रीवास्तव, यश का कहना है उसमें इक्वल नहीं है तो वायद्रोह कैसे? भाई साहब इसमें नहीं है तो नाइदर ही लगाया है हमने, तो बस इसमें है तो आइदर लगाया है, इसमें केवल दो ही हैं तो नाइदर लगाया है, इसमें है तो आइदर, क्या कष्ट है बताओ? लाओ कष्ट निवारण कर दे, बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा स्टेटमेंट में तो है ही नहीं ये प्रभु, स्टेटमेंट में ढूंढ रहे हो तुम, स्टेटमेंट में छुपा के रखा है, कल आएगा, कह रहे स्टेटमेंट में तो है ही नहीं। पता नहीं क्या कर रहे थे अभी तक 3 क्लास से। अच्छा ये तब मानेगा इधर, और जब यहां पर ऐसे दूंगा स्टेटमेंट में आ गया तो फिर तो तुम इस वाले में क्या करोगे? चार मांगोगे इसमें तो? बेटा सीरीज ब्रेक है, घर वाले ऐसे मुंह करके खड़े हो जाएं, एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे, ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे ऐसे कैसे भी हो जाएं, सीरीज ब्रेक 3 साइन आइदर और, ऐसे याद करो। तुम्हें इतना टैलेंट कहां से आया कि ऊपर ढूंढ रहे घूम रहे हो? मैंने एक बार ऐसे सिखाया है? ऊपर किसने बताया था तुम्हें? कहां से पढ़ के आए हो इतना खराब? ये किसने बताया था तुम्हें कि ऊपर भी इक्वल ढूंढना है तभी माना जाएगा? ठीक है भाई आगे चले। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पर। फिलिंग द ब्लैंक आपके स्क्रीन पर पहले वाला ये रहा, देखिए पढ़िए। अब आप थोड़ा एक लेवल आगे पढ़ रहे हैं, एक तो इसको और एक इसको ट्रू करना है। एस बड़ा है जी से, एच बड़ा बराबर एल, इन दोनों बातों को ट्रू करना है। बताइए मैक्सिमम 4, बताओ भैया। इसमें भी 80% के आसपास आए, देखते हैं। देखिए एस और जी को पकड़ लो, एस ये रहा, जी ये रहा, अभी ये देखो पहले से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, तीसरे चौथे पांचवे में ग्रेटर चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा, ग्रेटर किसकी तरफ? एस की तरफ, एस की तरफ ग्रेटर, यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए, आ रहा है? हाँ, यहां तो तीसरे चौथे पांचवे में सीरीज ही ब्रेक हो गई, हटा दो, आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ फिर से सुनिए मैंने क्या किया, कह रहा था एस को बड़ा करना है जी से, एस और जी को पकड़ लिया तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथे पांचवे में कहीं ना कहीं एस की तरफ ग्रेटर आना चाहिए, एस की तरफ ग्रेटर चाहिए, यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए, यहां आ गया। हाँ यहां आया तो सही,
साथ में सीरीज भी ब्रेक लाया तो कैंसिल कर दिया, सीरीज ब्रेक हटा दिया, यहां भी आया यहां भी आया, ठीक है। अब एच बड़ा बराबर एल, आइए देखते हैं एच कहां पर है, एल कहां पर है। पहले तो भी समझा रहा हूं, एच बड़ा बराबर एल आखिरी के तीन में मैक्सिमम सबसे बड़ा सिंबल ग्रेटर इक्वल आना चाहिए, आखिरी के तीन में सबसे बड़ा सिंबल ग्रेटर इक्वल। एक बार बताओ, आखिरी के तीन में तो ग्रेटर आ गया, हटा दो, आखिरी के तीन में फिर ग्रेटर आ गया, फिर हटा दो, आखिरी के तीन में ग्रेटर इक्वल ही है तो लगा दो। तो ये तो दिखावा था हमें, स्टार्टिंग के दोनों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इन दोनों का तो हमारा कोई यूज ही नहीं था, ये तो दिखाने के लिए था बस। ठीक है भाई, क्लियर है। एच वाला एक बार और, चलो एक बार और, आप शॉर्टकट देखो, डिटेल में तो मैंने बता दिया, आप शॉर्टकट में समझना, जिसने समझना है। एस बड़ा है जी से, एस को पकड़ो, जी को पकड़ो, एस की तरफ बड़ा करना है। तो पहला कौन, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा, तीन चार पांच में कहीं पर भी एस की तरफ ग्रेटर आना चाहिए, एस की तरफ ग्रेटर। तो तीन चार पांच में एस की तरफ ग्रेटर आया, तीन चार पांच में सीरीज ही ब्रेक आ गई, हटा दो, तीन चार पांच में एस की तरफ ग्रेटर आया, तीन चार पांच में एस की तरफ ग्रेटर आया। अब कह रहा है एच को ग्रेटर इक्वल करो एल से, चार पांच और छह में मैक्सिमम ग्रेटर इक्वल आना चाहिए एच की तरफ। तो चार पांच और छह में यहां तो ग्रेटर आ गया, हटा दो, चार पांच छह में फिर ग्रेटर आ गया, हटा दो, चार पांच छह में ग्रेटर इक्वल आया, लगा दो। बस एक यही ऐसा है जहां पर दोनों बातें सही आ रही हैं। कहो तो लिख कर दिखा दो, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है, ये चेक करो, एच बड़ा बराबर एल, हाँ, एस बड़ा जी, हाँ, नमस्ते करो, निकल लो। अगला क्वेश्चन एक और पढ़ लेना ध्यान से, डी बड़ा है एस से और टी बड़ा बराबर वाई, दोनों को ट्रू करना है, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। डी बड़ा है एस से, टी बड़ा बराबर वाई, दोनों बातों को सही करवाना है, थोड़ा ध्यान लगा के, जिसका हो गया लाइक पे टिक। डी बड़ा, एक बार और क्रॉस चेक कर लूं कि भाई डी और एस में डी बड़ा आना चाहिए, देखो डी और एस में डी बड़ा और टी और वाई में टी बड़ा बराबर, ऐसे याद कर लो। अब बता दो मेरे को कौन सा सही कर रहे हो। दो परसेंट का पहला ही है, 2% का दूसरा, 5% का तीसरा, 84-82% का चौथा, तीसरे की भी वोट 7% है, पांचवे की भी 7% है। अब आओ देख लो, डी और एस स्टार्टिंग के दो को चेक करोगे, बड़ा आना चाहिए, आ रहा है, स्टार्टिंग के दो में सीरीज ब्रेक दिखाई नहीं दे रही, तो मैं देखो सीरीज ब्रेक हो गई, हटा दो, स्टार्टिंग के दो में बड़ा है, स्टार्टिंग के दो में बड़ा है। अब टी और वाई, आखिरी के तीन में, आखिरी के तीन में सबसे बड़ा सिंबल ये आना चाहिए, आखिरी के तीन को पकड़ लूं, ये तो पहले ही कट चुका है, अब आखिरी के तीन में स्मॉलर आ गया, मतलब ही नहीं उठता, आखिरी के तीन में सीरीज ब्रेक हो गई, मतलब ही नहीं उठता, आखिरी के तीन में ग्रेटर इक्वल है, राइट लगा दो। ये आपके कॉन्सेप्ट की असली परीक्षा है, ये आपका आरआरबी क्लर्क मेंस जैसे एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क मेंस जैसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, हम तो इसको प्री में ही सिखा देते हैं, ठीक है,
सही है भाई, सही है, आगे बढ़े चले। नेक्स्ट, अब मैं कमेंट देख रहा हूँ, मुझे पता है बहुत इरिटेशन सी होती है कभी कभी, मतलब क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता इनका जवाब दिए बिना। 3 PM कौन सी क्लास होती है, 3 PM कैसी क्लास होती है, 3 PM की क्लास मुझे करनी है। पहला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 PM का नाम कहाँ से पता लगा। अब आप कहेंगे सर आपने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो जब बताया था तो डिटेल में बताया था, तो फिर तो कहीं क्वेश्चन मार्क आना ही नहीं चाहिए भाई, डिटेल में बताया था। आप मूर्खों वाली हरकतें क्यों करते हैं, वहां तो डिटेल में बताया था मैंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी बातें क्यों करते हो। 20 मिनट और 30 सेकंड फालतू हुई थी मुझे जहां तक याद है, या 36, 20 मिनट का समय लिया था, 36 सेकंड फालतू हुई थी। मूर्खतापूर्ण काम ना करें, ठीक है, आगे बढ़ते और आगे चलते हैं। और आगे क्या है, और आगे आपके लिए रखा है ये नॉट इक्वल केस, इसको और सीख लो। अब नॉट इक्वल से पहले एक केस और रह गया आपका, ये सबसे जरूरी है जो अब आप सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वाला ट्रू है तो क्या आंसर करेंगे, करेंगे, सही बात है। आइए देख लेते हैं भाई, ए और सी में दादाजी आ रहे हैं, यहां अपने आप को लिख रहे हैं गलत, ए और डी में तलवारें खिंच रही हैं गलत, ई और सी में, ई और सी में दादाजी का फेस ई की तरफ है राइट। अगर ट्रू पूछता तो थर्ड आता। अब मैं कहता अच्छा पक्का सही कौन सा इनमें से, पक्का बताओ सच में कौन सा सही है, तो क्या कहते। अगर मैं कहता पक्का बताओ तब भी भैया यही कहते, तब भी ये कह देते कि सर ये भी गलत है ये भी गलत है, यही पक्का भी सही यही है भाई, जब सही है तो पक्का सही भी यही होगा, तब भी थर्ड ही आता। तो इससे एक निष्कर्ष पर पहुंचे, ट्रू और डेफिनेटली ट्रू सेम ही होते हैं, कुछ भी पूछ लो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो बात सच है वो तो सच है ही, जो सच है वो सच है, ठीक। अब अगर मैं पूछता आपसे एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, अगर मैंने ट्रू पूछा तो भी थर्ड, डेफिनेटली ट्रू पूछा तो भी थर्ड, अगर एग्जामिनर कहे कि एक बार बताओ गलत कौन से आ रहे हैं फॉल्स वाला बताओ, तो भाई सिंपल है, ट्रू के अलावा सारे फॉल्स, सिंपल। तो फॉल्स पूछेगा तो क्या कह देंगे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, भाई ट्रू के अलावा जो बच गए फॉल्स ही तो हुए, वरना उन्हें भी तो ट्रू कर लेते। अगर वो कहेगा फॉल्स बताओ तो हम कह देंगे भाई जो ट्रू नहीं है वो सारे फॉल्स है, जो ट्रू नहीं है वो सारे फॉल्स, तो पहला भी फॉल्स दूसरा भी, क्लियर है, सिंपल रखना, ट्रू को छोड़कर जो बच गया वो सारा फॉल्स, उसमें दिमाग मत लगाना। अगर वो कहे कि जज साहब सबूत मांग रहे हैं कौन सा वाला पक्का गलत है, अब पक्का गलत में जवाब देना पड़ेगा,
कि क्यों पक्का गलत। भाई गलत तो क्यों है, क्योंकि ए और सी में भाई ट्रू नहीं आ रहा तो गलत, ए और डी में ट्रू नहीं आ रहा तो गलत। तो गलत तो पक्का है पहला और दूसरा, लेकिन पक्का सबूत के साथ गलत। तो देखो सबूत कहां है हमारे पास, वो कह रहा है ए और सी बराबर है, तो हमने कहा नहीं नहीं ये पक्का गलत है। क्यों? सबूत है हमारे पास, ए तो बड़ा है। ये क्या हुआ? सबूत के साथ गलत, डेफिनेटली फॉल्स। अब वो कह रहा है ए छोटा है डी से, तो हमने कहा भाई हमें नहीं पता, सबूत नहीं है हमारे पास। क्यों? हो भी सकता है नहीं भी, तो ए और डी वाला केवल फॉल्स, सबूत के साथ मांगेगा तो डेफिनेटली फॉल्स। तो एक छोटा सा डिफरेंस नजर आया यहां पर फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स बोथ आर डिफरेंट। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर सी, सी छोटा डी। ए और सी के बारे में कह रहा है कि ए छोटा है सी से, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, हमारे पास सबूत है, डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ए तो बड़ा है। कह रहा है ए और डी, ए बड़ा है डी से, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये केवल हमें पता ही नहीं है बात, तो केवल क्या है? गलत है। सही है? कह रहे ए बड़ा है सी से, तो हाँ ये बात सही है, ये बात डेफिनेट में भी सही है। तो तीन कंडीशन है, अगर कहता ट्रू वाला बताओ या डेफिनेट में ट्रू बताओ, तो आंसर करते थर्ड। कहता फॉल्स बताओ, तो सुनो ट्रू के अलावा सारे फॉल्स, फॉल्स में फर्स्ट भी आएगा और सेकंड भी, और जब कहेगा पक्का सबूत के साथ गलत बताओ, तो हम कहेंगे केवल हमारे पास सबूत इसका है, ये है डेफिनेट में फॉल्स। क्या तीनों कंडीशन याद रहेंगी? पूरा घुस के बता दिया इसके अंदर, ट्रू डेफिनेटली ट्रू सेम, फॉल्स कौन सा है? ट्रू के अलावा जो बच गया फॉल्स, डेफिनेट में फॉल्स, सबूत के साथ फॉल्स। हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब? मैं तो सबूत के साथ हिंदी तो बता रहा हूं, सबूत तो हिंदी में ही है। रुपेश? नहीं रुपेश नहीं है, कोई और है, एस्पिरेंट अनएम्प्लॉयड। तुम और थोड़ा अनएम्प्लॉयड रहोगे ऐसी हरकतों से, थोड़ा नहीं सॉरी ज्यादा देर तक। लोगों को लाइमलाइट में आने मजा आती है। तुम्हारे लिए जवाब देता हूं, इतना इतना फैक्ट के साथ कोई नहीं बोलेगा आपसे। आपने कहा मैं तो हिंदी में देखता हूं, ये आपका तरीका है, पर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ये मेरा तरीका है। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैंने तो इनविटेशन आपको नहीं दिया। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं साउथ में गया था घूमने, ठीक है, मैं केरल गया था घूमने, जब घूमने गया था तो मैं वहां किसी म्यूजियम में चला गया, अब वो सारी चीजें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब मैं उनसे ये थोड़ी ना कहूंगा मैं तो हिंदी में सुनता हूं, टिकट तो मैंने भी लिया है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं वहां गया देखने, समझ रहे हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं गया क्यों? अपने आप को बदली दुनिया को नहीं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पढ़ो जिसके जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये हिंदी इंग्लिश मेरे तरह का बंदा है। भाई मैं थोड़ी ना बदल सकता हूँ, या तो मैं मान लेते हैं यूट्यूब पे ऐसे कर रहा हूँ, वहां पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ, यहाँ अलग तरीके, मैं तो सेम ही पढ़ा रहा हूँ जहां भी पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 10 साल से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए प्लीज बदल नहीं सकता दोस्त। इतनी हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए आपको, ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है।
ठीक है, चलिए डेफिनेटली फॉल्स एक बार और बता देता हूं आपके लिए, आप इसका एग्जांपल ले लो। डेफिनेटली फॉल्स कौन है ये? अभी भी दो बारी के बाद नहीं आया तो बढ़िया तरीके से बताता हूं एग्जांपल, तगड़ा देता हूं। गोल्डी, गोल्डी को अभी भी नहीं आया, आपकी बार आ जाएगा गारंटी। दुनिया की कोई ताकत नहीं, सब भूल जाएगी, गोल्डी कभी नहीं बोलेगा आज के बाद। ठीक, बढ़िया सा एग्जाम्पल दूंगा, गोल्डी कभी ना भूले, दो बारी में भी इसको नहीं आया है। तो गोल्डी और गोल्डी के भाई का नाम तो मुझे नहीं पता, पर इन्हीं में से कोई तुम्हारा भाई ले लेता हूं, अंकित। अंकित कह रहा सर शशांक को बता दो, अंकित को ही बताऊंगा। तो अंकित से मैंने क्यों कहा, मैं क्यों कहूंगा, अंकित से अंकित के दोस्त मोहित ने कहा कि गोल्डी गधा है, एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट पर्सनली। तो अंकित को तो पता ही नहीं है, गोल्ड अंकित से मोहित ने कहा गोल्डी गधा है, इसका जवाब दो ये बात सही है गलत है। तो अंकित ने कहा कौन गोल्डी, कौन गोल्डी? तो मोहित कह रहा नहीं, मुझे पता, मुझे जवाब दो, गधा है हाँ या ना, और मुझे सही सही जवाब देना। तो अंकित क्या कह रहा है, कौन गोल्डी? मोहित कह रहा है नहीं, मुझे जवाब दो, सही है गलत है। तो जवाब इस अंकित केवल एक ही दे सकता है, गलत। क्यों? पता नहीं, इसीलिए गलत। अब गोल्डी का भाई था सुमित, अब मोहित ने सुमित से कहा कि गोल्डी गधा है, इसको तो पता है ना, इसका भाई है क्योंकि ब्रदर। तो अभी ये सुमित क्या कहेगा, नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो मोहित ने कहा कैसे, तो उसने क्या कहा सुमित ने, कि मुझे पक्का पता है भैया, गधा नहीं है, सही है, गधा नहीं है, समझदार आदमी है। तो जिसके पास सबूत होगा वो बता सकता है, नहीं होगा तो नहीं, पर राइट या रॉन्ग में जवाब देना है। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है लेकिन गधा नहीं, क्योंकि उसको पता है। क्लियर है? अब जिसके बारे में सबूत होगा उसका आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं। अरे भाई ये सिंपल एग्जांपल था, इसको किसी वैसे सेंस में ना ले, एक्चुअल में जब आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पक्का गलत कैसे, कच्चा गलत कैसे, तो ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे जो दिमाग में घुस जाए। और ये तो अच्छी बात होती है टीचर के लिए, कि मतलब बच्चे के लिए, कि हाँ उनके नाम लेकर सबको समझाया गया। ठीक है, अब जैसे ये बच्ची है बेचारी, क्या नाम है इसका, सबका नंबर आएगा, सोनिका, क्या दो तीन सीरीज वाले इसमें होंगे? अब आप बताओ इसको क्या कहूं मैं, क्या इसमें दो तीन सीरीज वाले होंगे? बताओ, क्या दो दो तीन तीन सीरीज वाले होंगे? वो तो होके चले भी गए, अब मैं क्या जवाब दूं उसको, बताओ। वो तो होके चले भी गए, अब तो सो रहे हैं, वो दोपहर ही हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नॉट इक्वल केस चलते हैं। ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, क्या आएगा? नहीं, सॉरी, दो ऑप्शन है, आइदर और या नाइदर नॉट, बताइए, अपने अपने मत रखें। आइदर और नाइदर नॉट, आइदर और नाइदर नॉट, आइदर और नाइदर नॉट। तो इसके लिए भी पूरी कहानी है सुनिए, 5 मिनट की कहानी सुनिए।
ए और बी बराबर नहीं है, तो ए बड़ा है भाई, पता नहीं, पता नहीं, ए छोटा है पता नहीं, पर आंसर या तो बड़ा है या बराबर, सॉरी या तो बड़ा है या छोटा, आइदर वन, और सही बात है यहां तक ठीक है भाई। ए और बी बराबर नहीं, या तो ए बड़ा होगा या छोटा, एक बात पूछेगा तो गलत, एक बात पूछेगा तो गलत, यही दोनों बात साथ में पूछ लेगा तो आइदर और, कंटेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ए बराबर नहीं है बी के, बी का एक जुड़वा भाई है सी। अब एक बार बताओ, जुड़वा भाई है तो हमें क्या दिक्कत है, अगर ए बी से बड़ा होगा तो सी से भी, और ए अगर बी से छोटा होगा तो सी से भी, इंडिविजुअल आता तो रॉन्ग, इंडिविजुअल आता तो रॉन्ग, साथ में आया तो आइदर और, सही बात। तीसरा केस सर, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ लेता, एक बार बी का नाम लेता तो गलत कर देते, एक बार सी का नाम लेता तो भी गलत कर देते, पर बी और सी तो सेम ही है, क्या लगाएं, क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगाएं, क्या लगाएं, आइदर और, आइदर वन और, ठीक है, आइदर वन और नाइदर नॉर कब आएगा तुम्हें, बड़ी जल्दी है नाइदर नॉर की, सबर कर लो, ठंड पकड़ लो थोड़ी देर, आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ दो ही चीज बताई है, ए और बी बराबर नहीं है, ये पता है कौन होंगे, कितने बच्चे जो आज पहली बार आए क्लास में, पहली बार आए, अरे तो मैं तो बस बार बार एक दो लोगों का चिल्ला नहीं सुन रहा हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो 18% है वो भी, तो एक बार बताओ इतने एडिकेट्स तो होते हैं, हम इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, हमें पुरानी क्लास देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, ऐसे कैसे वैसे कैसे हमारे चक्कर में क्लास का नुकसान हो रहा है, ये बताओ। गलत बात है बहुत आपकी, ये 18% की बात कर रहा हूं, एक बार और ट्राई करते हैं लास्ट बार, अंकित और सुमित दोनों ने नकल मारी और टीचर से पूछा कि हमारे नंबर कितने हैं, मेरे मेरे नंबर कितने हैं, मेरे कितने, टीचर ने रीजनिंग में जवाब दिया तुम दोनों के नंबर बराबर नहीं आए हैं, तो अब क्या जवाब निकलेगा, या तो अंकित के ज्यादा होंगे सुमित से, पक्का तो नहीं बता सकते ना, अंकित के कम होंगे सुमित से, नहीं बता सकते ना, पर या तो अंकित के ज्यादा होंगे या सुमित के, अब आया समझ, अब भी नहीं आया तो तुम्हारे तो पक्का कम आएंगे, अंकित और सुमित के कैच भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसी में दूसरा एड ऑन करता हूं, अंकित की कॉपी में से बिल्कुल नकल मारी थी गोल्डी ने, सही,
बिल्कुल सेम, और इन दोनों ने डिट्टो वैसे लिखा, जितने क्वेश्चन उसने किए उतने उसने, बिल्कुल राइटिंग भी सेम, और राइटिंग के नंबर भी नहीं थे, अंकित के नंबर बराबर नहीं है सुमित से। तो अब टीचर ने कहा अंकित के नंबर बराबर नहीं है सुमित से, और गोल्डी और अंकित के बराबर नंबर है। अगर अंकित के नंबर ज्यादा आए सुमित से, ये तो पता नहीं, गोल्डी के नंबर कम आए सुमित से ये भी नहीं पता, पर दिमाग तो दिया है ना ईश्वर ने कि अगर अंकित के ज्यादा आएंगे तो गोल्डी के भी ज्यादा, गोल्डी के कम तो अंकित के भी कम, तो या तो पहले वाली बात सही है या दूसरी। अब ठीक है, आगे चले। ये कौन है? होशियारी एक रखो, इसको पहले ब्लॉक करूं। कौन है? देखो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं। मनोज, मनोज अगर एक तो गोल्डी तो बेचारा समझदार है, पर मैंने पिछले 3-4 दिन में तुम्हें नोटिस जरूर किया है, तुम गधे पक्का हो। गोल्डी तो फिर भी समझदार है, तुम पक्का गधे हो, और तुम्हारा नाम मैं क्लास में गधा रखवा दूं, अब की बार किसी और को कुछ कहा तो। ठीक है, मनोज इक्वल्स टू गधा, वो भी बड़े वाला। अब मजा आई तुम्हें तो, साथ में मैंने भी कह दिया, तो इतनी बेवकूफी की हदें पार मत करो। कुछ लोगों को क्लास में उछल कूद करने का ज्यादा शौक होता है। आई मजा? चलो ऐसे नहीं करते यार, देखो माँ बाप का तो हक होता है, वो तो किसी को कुछ भी बोला है उनका क्या है, पर आप अपनी लिमिट में रहें। इस केस को आगे बढ़ाते हैं, एक्चुअल गलत बच्चे का कब होता है? इधर इधर नहीं होता। ए बराबर नहीं है बी के, बी ग्रेटर आ जाए, ए स्मॉलर आ जाए, ग्रेटर इक्वल आ जाए, ए स्मॉलर इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए। मेरी बात को ध्यान से सुने, ए बराबर नहीं है बी के, दो साइन चाहिए यहां से यहां तक, दो ही तो चाहिए बड़ा या छोटा। बी बराबर अगर आया तो भी दो ही साइन चाहिए ए से सी के लिए, कौन कौन से? बड़ा या छोटा। इस बराबर को छोड़कर दुनिया का कोई भी साइन यहां आएगा, तो एक तो हम इन दोनों का ही नहीं बता पा रहे, और ये आके क्या कह रहा है, पहले मेरा बताओ उससे, तो इसका कहां से बता देंगे जब अभी इनका ही नहीं बता पा रहे। तो इसने मुसीबत बढ़ा दी, तो इन दोनों के बीच में 3 साइन याद रहेगा, ऐसे ही याद करना है। फिर सुनो, इन दोनों को सुलटा नहीं पा रहे थे, ये बड़ा ये बड़ा, ये आया पर मुसीबत साथ नहीं लेकर आया, बोला मैं तो इसी के साथ हूं, ये पिटेगा तो मैं भी पिटूंगा, ये जीतेगा तो मैं भी जीतूंगा, तो यही मुसीबत रही। ए और सी कितने साइन? 2 साइन, बड़ा या छोटा। अब इन दोनों में अब अगली एक और आया, वो कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, कह रहा है मैं बड़ा हूं, कह रहा मैं छोटा हूं, कह रहा मैं बड़ा बराबर, कह रहा मैं छोटा बराबर, कह रहा मैं बराबर नहीं, पहले मेरा हिसाब किताब क्लियर करो। अरे भाई इन्हीं का नहीं हो रहा, तुम्हारा कहां से कर दें? तो प्रॉब्लम और बढ़ा दी, जब प्रॉब्लम बढ़ जाए, इक्वल के अलावा दुनिया का कोई भी साइन आ जाए, इक्वल के अलावा दुनिया का कोई भी साइन, तो ए से सी तक 3 साइन चाहिए आइदर और के लिए, याद रहेगा? 3 से कम होंगे तो ना इधर, याद रहेगा? तो सॉलिड तरीके से समझा दिया, कुछ भी आए अपना कलेश ही खत्म। इक्वल के अलावा कुछ भी आए तो ए से सी 3 साइन चाहिए आइदर और के लिए। थर्ड साइन कहां से आ गया? ये अनु वही वाली है जिसका तुम बार बार नाम ले रहे हो, अनु है? चलो ले देता हूं एग्जाम्पल, अनु के नंबर बराबर नहीं आए, और किस किस को नहीं आया लाओ वो भी लिख दो, एक दो नाम लाओ, पर्ची लिखवा लो।
चलो, अनु, गौरव और ये प्रियंका, इन सबको एग्जाम्पल चाहिए, बहुत बहुत एग्जाम्पल चाहिए, बचपन से एग्जाम्पल से ही तो पढ़ते आए हैं ये। अनु के नंबर बराबर नहीं है गौरव के नंबर बराबर नहीं है प्रियंका के। सपोज करो गौरव के नंबर 100 में से 10 आए हैं, तो अनु के नंबर 10 नहीं आने चाहिए, 9, 8, 7 है ना, ऐसे तो आ सकते हैं 11, 12, 99, इतने तो आ, ये तो खैर ज्यादा हो गया, छोड़ो 11, 12, 13, 14 ऐसे तो आ सकते हैं, हाँ या ना। तो अनु के नंबर गौरव से ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी, बिल्कुल सही बात। प्रियंका के नंबर भी 10 नहीं आने चाहिए, 9, 8, 7, 11, 12 इसके भी आ सकते हैं, तो चेक करो। सो करो अनु के नंबर 9, प्रियंका के 11, तो प्रियंका के ज्यादा हो गए। अनु के नंबर 12, प्रियंका के 8, तो अनु के नंबर ज्यादा हो गए। क्या पता अनु के भी 5 और प्रियंका के भी 5, तो इन दोनों में 3 कंडीशन बनती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना अनु और प्रियंका का नंबर कितने हैं, क्लियर है। तो पहला और दूसरा बराबर नहीं होंगे, दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होंगे, पहला और तीसरा तो बराबर हो सकते हैं, क्लियर है, पहला और तीसरा तो बराबर हो सकते हैं। ठीक है भाई, सही है। तो आज की यात्रा इतनी थी आपके लिए, कल क्या करेंगे हम, कल नहीं, कल तो सैटरडे, कल तो छुट्टी है। कल एक तो आप 4:30 बजे आइएगा और चेक कीजिएगा 4:30 बजे वाले में आपका लेवल कितना है। वहां मैं 10 से 15 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपके आप बैंड बजाऊंगा, ठीक है, इस स्पेशल क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। कितने लोगों अच्छे से आ गया इनइक्वालिटी, एक बार लाइक पे टिक करके बता दो जरा, जिनको बढ़िया से आ गया। सर मेरे को तो आ गया, और ये लेवल तो एग्जाम अभी 2 साल बाद पहुंचेगा, जो अभी आप पढ़ रहे थे 2 साल बाद पहुंचेगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है भाई।